हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू आई यूट्यूब इन वीडियो, वी आर गोइंग टू बिगिन अप विद न्यू टॉपिक व्हिच इज हाउ डू वी ब्रीथ हम सांस कैसे लेते हैं लेट इज नाउ लर्न अबाउट द ऑफ़ मैनिज्मीदिंग तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जो मैकेजम है ब्रीदिंग का उसके बारे में नॉर्मली वी टेक एन एयर थ्रू आर नोस्ट्रल्स नॉमली जनरली हम सांस अपने नोस्ट्रल से अंदर लेते हैं वेन वी इन्ेल एयर जब हम सांस अंदर लेते हैं इट पासिस थ्रू आर नोस्ट्रल्स इन टू द नेजल कैविटी ये हमारे नोस्ट्रल से पास होता है और नेजल कैविटी में फ्राम द नेजल काविटी द एयर इच इज़ आर लंग्स थ्रू विंड पाइप और नेजल कैविटी से जो एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुँचता है विंड पाइप से चलिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रल से अंदर जाता है वो पास करता है नोस्ट्रल से और नेजल काविटी में जाता है और नेजल काविटी से जो एयर है ऑक्सीजन है वो लंग्स पे जाता है किसकी मदद से विंड पाइप की मदद से लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी और ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं दिस कैविटी सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स और जो कैविटी uh, है ये कहाँ सराउंडेड होती है रिब्स के साइड्स में अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल डाइफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी जो डाइफ्राम होता है ये एक मस्कुलर शीट टाइप का होता है ये एक फ्लोर बना देता है चेस्ट कैविटी के राउंड ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डाइफ्राम एंड द रिपकेज और जब हम सांस लेते हैं मतलब जब हम सांस इनहेल करते, करते हैं और एक्सेल करते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो डाइफ्राम है और ये रिपकेज ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं सो विल बी स्टडिंग फर्द इन इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टेट यून टू अर यूट्यूब चैनल एंड डोन्ट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू अर चैनल थैंक यू